नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चीन और पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत अमेरिका ने हाथ मिला लिया है और 2+2 की बैठक में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें इसरो और नासा मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट का निर्माण करेंगे जिससे विजुअल और पिक्चर हाई रेजोल्यूशन का मिलेगा। जानकारों की माने तो नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट को 2022 में लॉन्च करेंगे। इस संयुक्त मिशन के लिए देशों के बीच साल 2014 में समझौता हुआ था। दुनिया की पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो एक साथ दो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट भी होगी। इस लिहाज से ये कई मायनों में बेहद खास होगी, जो पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं और उनकी प्रकृति को समझने में सहायक साबित होगी। $1.5 अरब की लागत से बनने वाली सैटेलाइट से जाहिर तौर पर पहले के मुकाबले अधिक हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें हासिल की जा सकेंगी, जिनसे पृथ्वी के ऊपर मौजूद बर्फ के अनुपात के बारे में सही जानकारी हासिल हो सकेगी। इस सैटेलाइट का एक खास पहलू यह भी है कि इसको धरती की परिस्थिति की तंत्र की गड़बड़ी, बर्फ की परत के ढहने, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों समेत इस ग्रह की कुछ सबसे जटिल प्राकृतिक प्रक्रियाओं को देखने और मापने के लिए तैयार किया गया है। मौसम विज्ञानियों और विज्ञान के जानकारों की माने तो इस सैटेलाइट से सुनामी या भूकंप आने या फिर भूस्खलन होने की सूरत में इस सैटेलाइट से ताजा तस्वीरें कुछ ही देर में आसानी से ली जा सकेंगी। दोनों देशों के बीच इसको लेकर हुए करार के मुताबिक नासा एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR, हाई रेट टेलीकम्युनिकेशन सबसिस्टम फॉर साइंटिफिक डेटा, GPC रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम उपलब्ध करवाएगा। वहीं इसरो सैटेलाइट बस, एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, लॉन्च व्हीकल और इससे जुड़ी सेवा उपलब्ध करवाएगा। वहीं इसमें लगा मैशन रिफ्लेक्टर एंटीना को नॉर्थरॉप ग्रूमन कंपनी मुहैया करवाएगी। इस सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिटर या हेलियोसिंक्रोनस ऑर्बिटर में स्थापित किया जाएगा। ये कक्षा इमेजिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अलावा स्पाई सैटेलाइट और मौसम के बारे में जानकारी लेने वाली सैटेलाइट के लिए बेहतर मानी जाती है। इस कक्षा की इस अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पोजीशन पर सरफेस एरिया के ठीक ऊपर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेस में भारत और अमेरिका मिलकर क्या करने वाले हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये सैटेलाइट आतंकियों को खोजने और दूसरे देशों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगी, इसलिए सैटेलाइट से पाकिस्तान और चीन पर भी नजर रहेगी।